किए गए। सभी केसों की तो जांच हुई, लेकिन एक केस की जांच नहीं हुई। वो केस है आलोक मौर्य के मर्डर करने का प्लान। जी हाँ, बता दें कि आप सभी लोगों को पहले से ही पता है कि SDM ज्योति मौर्य और उनके बॉयफ्रेंड मनीष दुबे आपस में व्हाट्सएप चैट से बात किया करते थे। बात करने के दौरान उन्होंने आपस में यह बात किया था कि आलोक मौर्य को रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना हमारी फजीहत हो जाएगी। तो आलोक मौर्य के हाथ जब ये चैट लगा तो आलोक मौर्य इस चैट को लेकर के सीधा मीडिया में आए और मीडिया ने इस बात को तुल दिया और इसके बाद आलोक मौर्य को न्याय मिलना शुरू हुआ। बता दें कि ये सभी जो केस, जो सभी आरोप आलोक मौर्य ने SDM ज्योति मौर्य और उनके बॉयफ्रेंड मनीष दुबे के ऊपर लगाए थे, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण आरोप है कि मनीष दुबे और उनकी गर्लफ्रेंड आलोक की पत्नी SDM ज्योति मौर्य अपने पति को मारना चाह रही हैं, उस पर जांच नहीं हुआ। जी हाँ, आप समझिए कि मनीष दुबे के ऊपर इस बात का कोई मतलब कि आरोप ही नहीं लगा कि वो कैसे एक व्यक्ति के मारने का प्लान व्हाट्सएप पर बना रहे थे। इसकी कोई जांच नहीं हुई और जब यह अंदरूनी बात लीक हुई तब लोगों के कान खड़े हो गए। लोगों को लग रहा था कि जिस तरीके से आलोक ने दिन रात मेहनत करके अपने खिलाफ हुए इस साजिश का खुलासा किया, अब उसको न्याय मिल जाएगा। लोगों को यही लग रहा था। और जिस तरीके से मनीष दुबे के ऊपर बहुत सारी विभागीय कार्यवाहियाँ की गई, इससे भी लग रहा था कि अब आलोक को न्याय मिलेगा। लेकिन अंदरूनी बात यह निकल के आई फाइल के अंदर की बात। तो फाइल के अंदर की बात यह है कि दरअसल जो आलोक मौर्य जिसकी वजह से अपनी पत्नी को खोए हैं, मतलब कि मनीष दुबे, उनके ऊपर तो हत्या का आरोप ही नहीं लगा। उसकी कोई सघनता से जांच ही नहीं हुई, जबकि प्रूफ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मनीष दुबे और SDM ज्योति मौर्य ने आलोक को मारने का जो फुल प्रूफ प्लान था वो व्हाट्सएप पे बात किया था। इसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, यह बात बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली है। अच्छा, एक खबर और भी बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। आप लोगों ने सुना होगा कि मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया। अंदर की खबर यह आ रही है कि अभी तक उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है। हालांकि हमारी टीम इस न्यूज़ की जांच कर रही है कि क्या सच में उन्हें सस्पेंड किया गया है या नहीं, लेकिन अभी तक खबर यही आ रही है कि नहीं किया गया है। इसके बारे में जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। उसी तरह दूसरी भी न्यूज़ की हमारी टीम जाँच कर रही वो यह है कि SDM ज्योति मौर्य अब नहीं रही। इसके बारे में जैसे ही अगली अपडेट आएगी या इस बारे में जो भी नई अपडेट या फिर है या नहीं है इसकी अपडेट आएगी, सबसे पहले हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आलोक मौर्य ने आज सुबह ही एक इंटरव्यू में कहा, वो कहते कहते विरक्त पड़े, रोने लगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मेरी हत्या का प्रयास किया गया, उसके बाद मैंने सोशल मीडिया में अपनी आवाज़ उठाई, इसके बाद ही मनीष दुबे के खिलाफ मेरे हत्या का जो प्रयास है उसका केस ही नहीं लगा। यह कहते हुए आलोक मौर्य रोने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे न्याय भले लेट से मिलेगा, लेकिन मैं न्याय लेकर रहूँगा। बता दें कि आलोक मौर्य के सपोर्ट में तो कई लोग उतर आए हैं, कई सारे पूर्व अधिकारी और इसके बाद नेता और बहुत सारे ऐसे पत्रकार भी उनके समर्थन में उतर आए हैं कि अब लगता है कि आलोक मौर्य को न्याय मिलाकर ही रहेंगे। बता दें कि आप क्या आलोक मौर्य के साथ हैं या SDM ज्योति मौर्य के साथ हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये सभी प्रकरण सुनने के बाद जितनी भी खबर आप तक पहुंची है उन सभी खबरों के आधार पर आपको क्या लगता है कि क्या पति गलत है या पत्नी गलत है या दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन होगा उसको दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों में व्हाट्सएप पर इसे शेयर कीजिए। जैसे ही अगली अपडेट आएगी हम सबसे पहले आप तक पहुंचा देंगे। धन्यवाद।